दो छोटे छोटे बच्चे हैं उन डॉक्टर साहब के परिवार में, और डॉक्टर साहब हैं, भगवान की दया से सब कुछ है उनके पास, परंतु फिर भी, और हम इसका हर्जाना उस परिवार के लिए डिमांड करने जा रहे हैं सरकार से। जी हाँ, नमस्कार साथियों को, और बड़ी खबर जयपुर दौसा से मिल रही है। दौसा जिले के लालसोट से निजी अस्पताल से डॉक्टर अर्चना शर्मा प्रकरण में पांचवें दिन भी सियासत गर्माहट देखने को मिली है। दरअसल मामले की एक और जांच में खुलासा हुआ है कि दरअसल इस मामले में दो आरोपियों की और गिरफ्तारी हुई है। थानाधिकारी इसपाल सिंह ने कहना है कि अनुसंधान टीम ने सालाग्रामपुरा निवासी बलराम बेरवा व चांदन निवासी राम खिलाड़ी बेरवा को हिरासत में लिया है। दरअसल दोनों पर आरोप है कि प्रदर्शन आंदोलन में धारा 302 में मुकदमा दर्ज कराने को लेकर उकसाया गया था, ऐसे में दोनों को हिरासत में लिया है। वहीं पुलिस की माने तो फिलहाल इस मामले में चार आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, चारों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। वहीं उधर इस मामले में शुक्रवार को अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सा संघ दौसा ने शुक्रवार शाम एक विज्ञापन जारी की है, जिसमें घोषणा की गई है कि डॉक्टर शर्मा के मामले में जिम्मेदार आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक शनिवार से अनिश्चित कार्य बहिष्कार किया जाएगा। जिले के सभी पीएचसी सीएचसी और जिला चिकित्सालय ओपीडी अनिश्चित काल तक बंद कर दिए गए हैं, सिर्फ आपातकालीन सेवाएं चालू रहेंगी। वहीं बताया जा रहा है कि शुक्रवार को भी जिला चिकित्सालय में सुबह 8 से 10 बजे तक कार्य बहिष्कार रखा गया, जबकि जिले भर में अन्य जगह पूर्ण कार्य बहिष्कार रहा है। वहीं फिलहाल मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सो दोस्तों, आप सभी को इस प्रकार की खबरें दिखाना हो, विचलित करना नहीं बल्कि समाज में घटित होने वाली सभी घटनाओं से सचेत रखना है, ताकि समाज में बढ़ रहे इस अपराध पर रोकथाम लगाई जा सके। सो दोस्तों, प्रदेश भर की तमाम खबरों के लिए बने रहिए चैनल से। अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।